हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। हाथ फिर से नहीं दिखा रहा, लोकेशन देख के समझ गए होंगे आप, यहां ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आया हूं। देखो आवाज़ आ रही है खनकने की, तो चूड़ी जैसी है। चूड़ी क्या है? रिंग है। रिंग मैंने आपको बताया थे कि जब मैं क्लच प्लेट बता रहा था अपने, तो उसमें दिखाया था मैंने कि मेरे सिंक्रोनस रिंग जो हैं वो घिस गए थे और वो चेंज होने थे, जिसकी वजह से जो क्लच प्लेट है वो भी चेंज करवा दी थी मैंने, क्योंकि सेम प्रोसेस होता है, हर चीज़ सेम होती है, दोबारा नहीं तो इतनी मोटी लेबर लग जाती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद करवाने वो करवा दिए थे। अब सिंक्रोनस रिंग है क्या बवाल भाई साहब? बहुत महंगी आइटम है ये, और मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। तो ये होता है, ये देखो, ये है सिंक्रोनस रिंग, ये देख रहे हो, कुछ नहीं है, ये ब्रास का, ये देख रहे हो, ये इस तरह का छल्ला सा है ये भाई, ये पार्ट होते हैं ये एक सेट के, और ये आइटम है बस। और ये क्या रेल बना देती है, मतलब बहुत मेजर काम है इसका, क्या क्या वर्क करता है ये, कैसे कैसे वो दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो, ये समय ख़राब है अभी, और ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो यहाँ ये ऐसा ग्रुप बन गया ना, ये ऐसा नहीं होता, ये देखो, ये ऐसा ग्रुप नहीं होता, ये मैं कोई, ये देखो, ये कटा नहीं है यहाँ से ज़्यादा, तो ये इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है यहाँ से, ये घूम घूम के और ये टकरा टकरा के, काम ही इसका यही होता है कि ये ऐसे घूम रहा होता है, यहाँ पर आके गियर जो है वो लगता है, टकराता है धीरे 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 धीरे, सही स्पीड पे गियर ना लगे, और नहीं तो लाइफ भी होती है चीज़ की, लाइफ तो मैक्सिमाइज़ कर ही सकते हैं हम, लेकिन अगर ज़्यादा बिना क्लच दबाए आप यूज़ कर दोगे गियर, और टीथ भी घिसेंगे, और ये भी हमारा घिस जाता है ये यहाँ, तो ये है कहानी। ये देखो, इसका डिब्बा दिखाता हूँ आपको मैं पहले, ये देखो, ये बॉक्स इसका। अब इसके रेट देखो ज़रा, 1660 रुपये, 1660 रुपये ये एक पीस, मतलब एक सेट का है। और ये जो है, अब आप ये देखो एक चीज़, ये लो गियर लिखा हुआ है। लो गियर क्या है, जैसे अब इसकी कहानी बताता हूँ आपको, गियर पता ही है, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, इस तरह से होते हैं ना। तो जो ऊपर की साइड लग रहे गियर वो होते हैं हाई गियर हमारे, और जो नीचे की साइड लग रहे हैं वो हैं लो गियर। ऐसा ये मत समझना कि हाई गियर मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, लो गियर मतलब पहला, दूसरा, ऐसा नहीं है। स्पीड में मत देखो, जो उसकी पोजिशन है गियर, जो हमारा गियर है स्टिक, उसकी पोजिशन ऐसे जाके ऊपर लगेगा अगर, तो वो हाई हुआ, जो नीचे लगेगा वो हमारा लो हुआ। अब मेरे जो हुआ था, मेरा जो दूसरा गियर है, दूसरा गियर नहीं लग रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये कहानी है ये, और इसकी वजह से नहीं लग रहा था ये, ये देखो। अब दूसरा और चौथा मैंने दो साइड डाले थे इसमें, तो देखो जरा सी आइटम इतनी सी बस 1660 रुपये की, और ये केवल जरा सी, केवल 1660 रुपये नहीं, इसमें जितने की आइटम है ना, जैसे ये 1660 1660, मतलब अब 3200-3300 रुपये तो यही हो गया आपका, 3300। और इसके ऊपर से जो लेबर है, लेबर भी इसकी करीब 4000-4500 रुपये उस समय होती थी, आज से करीब 2 साल पहले 3 साल पहले, मुझे ध्यान भी नहीं सही से, उस समय इतनी ज़्यादा लेबर थी। अब ये दिक्कत क्यों आई ऐसे, पता आपको, जो भी हमारा मारुति में, ये मारुति में है दिक्कत, मारुति जो यूज़ करती है इंजन, वो दो पावर ट्यूनिंग में यूज़ करती है, वही वाला मतलब करती थी जो डीजल वाला होता था, जो हमारा 1.3 वाला था 1248 सीसी में, एक आता था वो स्विफ्ट में, फिर डिज़ायर में, मतलब इस तरह की जो हल्की गाड़ी थी 5 सीटर है उसमें, तो वो देते थे 73 BHP, ठीक है। अब 73 BHP के साथ जो टॉर्क होता था हमारा, वो भी होता था 170 Nm, ये उनके लिए बने थे। अब आप कारस्तानी देखो मारुति की, ये उनके लिए जो हमारे सिंक्रोनस रिंग है वो उनके लिए बने थे। वही इंजन को इन्होंने ट्यून अप करा, ज़्यादा पावर कर दी उसकी, और वो डाल दिया हमारे जैसे अर्टिगा हुई, ब्रेज़ा हुई, और SX4 हुई, इन गाड़ियों में। अब इन गाड़ियों में वही चीज़ ज़्यादा करके डाली है, मतलब जो पावर थी वो हो गई हमारी 90 BHP, और जो टॉर्क है हमारा वो स्टार्टिंग में 190 Nm हुआ, फिर उसके बाद 200 Nm कर दिया था, मतलब 30 Nm का टॉर्क में डिफरेंस आया, और पावर में भी डिफरेंस आ गया। तो अब जब पावर चेंज हो रही है, और हमारा पावर कहाँ से कहाँ को जाएगी भाई साहब, जो हमारा मैंने आपको क्लच प्लेट वाले में बताया ही था, सारी की सारी पावर जो क्रैंकशाफ्ट से हमारी गियरों में ही तो आएगी, गियर बॉक्स में, और उसके थ्रू फिर उसमें जाएगी व्हील में। तो सारे जो भी कंपोनेंट हैं वो उस पावर को सस्टेन करने के लिए अपग्रेड करने पड़ेंगे। जब इंजन और पावर आपने अपग्रेड कर दी,
लेकिन जो पार्ट थे गियरबॉक्स था वो सेम का सेम वैसा का वैसे ही उठा के डाल दिया। अब रिज़ल्ट में क्या हुआ, रिज़ल्ट में देखो ये हुआ, इंजन तो उन्होंने ले लिया फीएट वालों से, पावर अप भी कर दी उसकी, वो तो आती थी खैर वो ही करते थे खुद, ये छोटा ट्यूनिंग कर देते थे, जो फीएट है वो हमारा 90 पीएसई देता था तो वो उसी के हिसाब से अपने जो पार्ट्स हैं सारे वो डालते थे अच्छी क्वालिटी के, लेकिन इन्होंने 73 बीएचपी वाले के जो पार्ट हैं वो सारे इसमें डाल दिए। ये दिक्कत आप ये समझो, जिन जिन ने अर्टिगा ली थी या SX4 ली थी उन उनको इतनी दिक्कतें आईं कि गाड़ी ली 25,000-30,000, क्योंकि उन्हें आदत वैसी थी थोड़ी भाई तेज़ी से चलाने की, जब पावर ज़्यादा मिली है बंदा यूज़ तो करता ही है ना फिर उसका, तो उन्होंने उसी तरह से उसे चलाया यूज़ करा और क्या हुआ, ये हाल हुआ, ये जो है किसी के 30,000 किलोमीटर पे, किसी के 25,000 किलोमीटर पे ये घिसने लगे। अब जब ये घिसे तो खुलता था पूरा का पूरा तामझाम, जो भी हमारा क्लच प्लेट चेंज होने के लिए खुलता था वो पूरा तामझाम खुलता था। और ये पीस आप देख ही रहे हो, या ऊपर मोस्टली जो है वो नीचे के लगने लो गियर वाले ही बंद हो जाते थे, तो ये हाल हो जाता था। अब 16 यानी 3300 रुपये की ये आइटमें लेते थे आदमी, फिर उसके बाद जब खुलवाते थे तो फिर सामने वाला भी कहता था कि चलो यार कोई बात नहीं क्लच प्लेट भी डाल दो हमारी, क्योंकि लेबर तो उतनी लगी रही है वो भी डाल दो। तो इतना यानी टोटल मिला के 12-14 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता था आदमी का, और ये बहुत दिक्कत आई। ये चीज़ इन्होंने कमी रखी है, बाद में थोड़ा सा जो बाद में 19 के अराउंड मॉडल आए उनमें थोड़ा चेंज कराया है, लेकिन उससे पहले तो, और ये कहें कि हाँ उस इंजन में ज़्यादा पावर थी, हाँ तो भाई बिल्कुल थी, वही इंजन 90 पीएस में उसने भी यूज़ करा है टाटा ने, जो अपनी विस्टा गाड़ी थी उसमें भी ठीक, और जो क्वाड्राजेट 90 करके आता था, और उसके अलावा जो फीएट है फीएट खुद भी यूज़ करती थी वही पुंटो वगैरह में, और वही इंजन हमारी जो GM थी मतलब जनरल मोटर शेवरले ने भी यूज़ करा था, जो युवा वगैरह थी और इसमें भी यूज़ करा था क्या कहते हैं एंजॉय में, लेकिन उनमें ये दिक्कत नहीं आई, इसी में दिक्कत आई। अभी आई क्यों ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये बहुत यानी 12,000-14,000 रुपये के ऐसे ऐसे खर्चे हुए हैं लोगों के, मेरा तो खैर काफ़ी चल गया था ये, तो मैं इसमें शिकायत करूँगा इसलिए क्योंकि खर्चा आया किसी ना किसी मोमेंट पर तो आया, लेकिन ये आते नहीं हैं बाकी गाड़ियाँ अगर लेते हैं तो ये दिक्कत थी। पिकअप बहुत ज़्यादा थी लेकिन क्वालिटी जो है इनकी पार्ट्स की वो काफ़ी हल्की थी, इस वजह से ये खर्चे आए। और इसके साथ साथ क्या होता था, और जब क्लच प्लेट तो हो ही गई चेंज, एक और चीज़ आती थी वो होता था जो हमारा बेयरिंग है, मतलब मेन बेयरिंग जिसे कहते हैं, कुछ क्लच बेयरिंग कहते हैं, मेन बेयरिंग बहुत नाम है उसके अलग अलग, वह जनरली क्लच बेयरिंग यूज़ होता है, क्लच बेयरिंग वो भी साला वो भी बहुत महंगी आइटम है, वो भी छोटी सी है कैसी दिखती है, और इसी के साथ ही वो भी लग जाता है, तो सारी जो लेबर है वो इकट्ठी 14,000-15,000 जो बिल बैठता था वो ऐसे ही नहीं बैठता था। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो चलो अगले पार्ट में दिखाऊंगा, ऐसा करता हूँ अगले पार्ट में वो दिखाता हूँ क्या आइटम होती है कितने की, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं रहेगा वो, तो वो आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा आपको ये शेयर कर दूं। ये पड़ा नीचे MGP, और ये छोटी छोटी सी आइटम ही खर्चे हमारे जोड़ देती हैं, और क्वालिटी जो 10 में से 5 गाड़ियाँ मतलब 51% 52% मारकेट शेयर ले रही है मारुति, और सब लोग ये चीज़ें झेलते ही हैं। यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।